सब? आई एम गुड सर, आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सालों से आपको सिर्फ तस्वीरों में और मूवीज में दिखता है और आज लिटरली आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. बट आई सॉ यू बिफोर ऑल्सो नो सम शो इंडियन आइडल. And what happened after Indian Idol? After Indian Idol, I, to be honest, lots of fame. I got lots of fame. पैसा मिला क्या? इतना मुश्किल हो गया. इतना मुश्किल हो गया. कहाँ से हो तुम? Then मैं अरुणाचल प्रदेश के छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है तवांग. तवांग से हो? तवांग से. अरे वाह. जो कि it's like very. हमारा मार्टिन रेरे भी वहीं से. Martin Rete, she's from he's from Pasighat, I guess. Pasighat and no Itanagar. Itanagar. Yes, correct, correct, correct. Then now tell me how you doing. I'm doing good. Yeah, I'm doing good with my two arms. You've got a phone as well? Yeah, I use my phone, everything, you know. Like so no problem to type everything. It's my number 560. So khana wana sab khud? Khana wana, yeah, sab kuch main khud kar leta hu. Like everything, like khana wana, kuch aisa cheez, कुछ ऐसा चीज़ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता. बट द थिंग इज आई टोल्ड यू सर कि गाड़ी वाड़ी चलाते हो? गाड़ी तो चला लेता हूँ. अच्छा. मेरा सपना है कि आपके साथ राइडिंग करूँ मैं. आई हैव अ ड्रीम टू राइड विद सर. यू राइड मोटरसाइकिल या राइड साइकिल? बाइसाइकिल. बाइसाइकिल चलाएंगे ना? बिग का बाइसाइकिल चलाएंगे आपके साथ. तो और क्या परेशानी किस बात का है? परेशानी तो फिलहाल बिल्कुल नहीं है सर. आई एम ग्लैड कि मेरा एक सपना था. तुम्हारा परेशानी नहीं, लेकिन तुम क्या चीज़ देख के परेशान होता है? परेशान कि आज हमारा यंग जनरेशन में जैसे कि बहुत सारे लोग, आप तो सर यू आर द इंस्पिरेशन सर. तो जो यंग जनरेशन में जो है बहुत लोग हैं जो दे लूज देयर होप एंड आई वॉन्ट पीपल टू सी मी. मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझे देखे और मुझसे कुछ सीखे. आई रियली डोंट हैव माई बोथ हैंड्स. आई एम यूजिंग माई टू आर्म्स बट यू पीपल आर यूजिंग 10 फिंगर्स बट स्टिल यू पीपल लूज देयर होप. छोटे छोटे बातों में, एग्जाम में फेल होना, माँ बाप के फटकार से लोग गुस्सा हो जाते हैं, फिर निराश हो जाते हैं, कभी धोखा खाते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ऐसे में लोग सुसाइड कर लेते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि दिस इज़ नॉट द लाइफ. लाइफ इज़ वन टाइम ऑफर, यू नो. कल क्या हो किसी ने जाना नहीं है. सो एक कहावत है सर, मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है. हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है. ज़िंदगी ज़ख्मी से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो. हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल ज़िंदगी को जीना सीख लो. अरे वाह. डायलॉग का मुझे काफ़ी शौक है. गाने का वहाँ पर, टू बी ऑनेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल एक ऐसा जगह है जहाँ पे हिंदी का प्रयोग सबसे ज़्यादा करता है. हमारे वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज एक है नहीं ना, हर 100 किलोमीटर में लैंग्वेज बदलता है. हमारे वहाँ पे सबका अपना अपना डायलेक्ट्स है, सब ट्राइब का अपना अपना डायलेक्ट्स है, लेकिन सबका कॉमन लैंग्वेज जो वहाँ पे हिंदी है. हम जब भी अरुणाचल में एक दूसरे को मिलते हैं तो सबसे पहले सलाम या जय हिंद इस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं. नहीं तो कई सारे जगहों पे ऐसा है कि इंग्लिश के प्रयोग ज़्यादा करते हैं, लेकिन अरुणाचल का ऑफिशियल लैंग्वेज ही मोस्टली वहाँ पे लोग हिंदी में करते हैं, बोलते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे लैंग्वेजेस वहाँ पे. हर क्या 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर नहीं, ये हाँ इतना भी हो जाता है ना. 50 किलोमीटर पूरा डायलैक्ट और एक दूसरे की भाषा समझ में नहीं आता है ना, और सब हिंदी में बात करता हूँ. सभी हिंदी में बात करता हूँ. बहुत अच्छा. यहाँ पे सब इंग्लिश में बात करता है और आप हिंदी में बात करता है. एक दिल्ली का एक किस्सा है मेरा सर में. जब मैं एक शॉप में गया था, समर में था, मैं शॉर्ट्स लेने गया था, तो बोला कि एक शॉपकीपर ने बोला भैया देखो ये आपका चाइना का है. तो मैंने भी थोड़ा कमीनापन से उनको जवाब दिया कि मैंने कहा कि हर छोटी छोटी आँखें होना, छोटी कद होना, सभी चाइनीज होते हैं. कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम सुना है? अरुण यानी सूरज की किरण, तो प्रदेश तो आप लोग समझते होंगे. तो मैंने बोला कि क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जन गण मन असेंबली में, मॉर्निंग असेंबली में हम गाते हैं. हमारे वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज दो है,
हिंदी और इंग्लिश जहाँ पे हम हिंदी का प्रयोग सदा करते हैं, हम एक दूसरे को सबसे पहले मिलते हैं, वो एक दूसरे को जय हिंद या सलाम के नाम से हम एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। तो इस तरह बोल के मैंने उनको चुप करा दिया, उन्होंने दोनों हाथ जोड़ा और बोला कि भैया मुझे माफ़ कर दो। तो इस तरह से मैंने उनको प्यार से ही जवाब दिया। बहुत अच्छा किया। अब प्लान क्या है? प्लानिंग तो गर्लफ्रेंड शादी वाली कुछ ऐसा? प्लानिंग तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है सर, अभी फ़िलहाल तो वही है कि अगर मैं एक ऑफिस में एक दफ्तर में काम करूं तो मेरा ज़िंदगी चार दीवार के अंदर यूं ही ख़त्म हो जाएगा। मैं अपना ज़िंदगी तो जी लूँगा बट ये मेरा ज़िंदगी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे देखें एटलीस्ट कुछ। तो इसके लिए सिनेमा एंड यू नो सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट, कि जहाँ से लोग मुझे देखें सीखें और बहुत लोगों को प्रेरणा मिले। और बहुत लोग तुमको फंक्शन के लिए बुलाए, फ्री में नहीं बुलाए, पैसा दे। कई सारे मैंने चैरिटी भी, चैरिटी अभी नहीं करने का, पहले पैसा कमाने का फिर चैरिटी करने का। ये जो आज तुम कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हो। एक सपना है सर कि आपके जो दबंग टूर है ना सर, उसमें मेरा सपना है कि मैं वहाँ पे गाऊँ, क्योंकि मैं आपके जो गाना है ना सर, वो हमारा दबंग टूर में बहुत सारा लोग ऑलरेडी है, आई नो सर, लेकिन तुमको फिट करेंगे इंडिया टूर पे, तुमको ज़रूर फिट करेंगे। ये प्रॉमिस है हमारा, ये प्रॉमिस है हमारा। अच्छा तुम क्या करेंगे शो के अंदर? मैं मोस्टली सिंगिंग करता हूँ। ऐसा एक दिखा दो हमको एक, खास करके लोग इस गाने को बहुत पसंद करते हैं। तो आपका जो गाना है सर जीने के चार दिन जवानी फिलहाल, अभी हाल ही में जो गाना आया सर आपको जश्नी जो, मुझे बहुत पसंद है। इसका जो लिरिक्स थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, लेकिन आप इजाज़त दी तो मैं बोलता हूँ ना कि तुम कोई पुराना गाना गाओ। एक गाना पूरा अरुणाचल प्रदेश में हमसे ज़्यादा तुम सबको पुराना गाना याद है। जी सर, एक पुराना बहुत पुराना ही गाना है सर। फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाती, कैसे बताऊं किस किस तरह से पल पल मुझे तू सताती, तेरे ही सपने लेकर के सोया तेरी यादों में जागा, तेरे ख्यालों में उलझा रहा हूँ जैसे कि माला में धागा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हाँ इतना मधुर इतना मधुर तेरा मेरा प्यार, लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। हमारा तो एक बिबिंग देखेगा ये किरण रिजिजू और एक बिंग देखेगा तुम्हारा चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश का पेमा। थैंक यू।